तो अभी मैं आप सब झिकला दिखाना चाहता हूँ यहाँ के मैच के बारे में। काफी शानदार मैच होने वाला है, देखो फिर यहाँ से किस प्रकार से मैच हुआ है। ये दोस्तों अभी हम आ गए हैं रायपुर स्टेडियम में। आज है न्यूजीलैंड और रायपुर का मैच और अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा है भाई साहब की, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। अभी मेरा टिकट रखा है दोस्त और उसको फ़ोन लगाना है लेकिन नेटवर्क ही नहीं। अब कैसा करना समझ में नहीं आ रहा। किधर होगा तो चारों तरफ पूरा भीड़ भीड़ नज़र आ रहा है। पूरा ब्लॉग का मजा लीजिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए भाई साहब पर चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये भाई साहब देख लो, रायपुर के स्टेडियम में पूरा भीड़ ही भीड़ नजर आ रहा है। तो यहाँ से लाइट नहीं लगा रहा है भाई साहब। गेट नंबर 9 देखते हैं तो है नंबर 9। और यहाँ पर जो पार्किंग की जगह नहीं की भाई साहब, उन लोग का गाड़ी खिंचकर ले जा रहे हैं। जैसे मैच खत्म होगा निकलेगा उन लोग, फिर इन लोग को पता चलेगा कि गाड़ी ही गायब हो गया है। काफी मुश्किल से हमको मिला जाने के लिए, अब जा रहे हैं देखने के लिए। पूरा गाड़ी का भरमार लगा भाई, ये देख लो। तो अभी मैं आप सब झिकला दिखाना चाहता हूँ यहाँ के मैच के बारे में। काफी शानदार मैच होने वाला है, देखो फिर यहाँ से किस प्रकार से मैच हुआ है। ये भाई साहब देख लो, ऐसा मैच का हाल है यहाँ पे। काफी रोमांचक मैच है, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का मैच। जब से तेरे को बोल रहा हूँ हिंदी समझ ही नहीं आता, तू विदेश से आया है इतना तेरे को। बिहार की भाषा समझ नहीं आता ना, कैसे चला गया पूरा पूरा दिखाता है ऐसा मैच है भाई। जैसे जो देख सकते हैं उनको कैमरा जो कि जमीन में चल रहा है। ये इतना आवाज जा रहा भाई, वो परेशान हो गए सुन सुन।
आपको रायपुर का क्राउड भीड़ दिखाना चाहूँगा, कैसा है क्राउड तो देख सकते हो भाई साहब कैसा है यहाँ का। ये लोग देखो कितना भीड़ भाई, अभी एक बारी समाप्त हो गया, अब इंडिया बैटिंग करेगा और भीड़ पर भीड़ देख लो भाई साहब। तो ऐसा होता है देख सकते हो, इधर पीछे में उसको बैनर को रख कर खड़े है, इधर इंटरव्यू चल रहा है। तो भाई साहब देखिए मैं अभी पहुंच गया हूँ स्टेडियम में, स्टेडियम में एक पारी समाप्त हो गया है, अभी तो ग्राउंड साफ करे इसके बाद फिर इंडिया बैटिंग करेगा। देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर का स्टेडियम है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अभी पूरा वीडियो पर बनी रहेगा, वीडियो कैसा लगता है आप तो बताइएगा चैनल। आपको दिखाऊंगा और सब बाकी वीडियो में देखेंगे कि मैं तो अंदर का जो ग्राउंड अंदर का मैच चल रहा था उसका वीडियो दिखा रहा हूँ। अब बाहर में भी देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ है, आधा मैच आधा पारी तो समाप्त हो गया है, एक पारी समाप्त हो गया, अब इंडिया वाला बैटिंग करेगा और फिर हंसी भी आ जा रहा है अभी का। और देख लो अभी एक पारी समाप्त हो गया फिर भी से भाई साहब मेरे पीछे में देख सकते हो कि काफी लोग फिर भी आनंद न कर रहे हैं। तो ये वो लोकेशन है रायपुर स्टेडियम का, और बाहर में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भाई सब गाड़ी पार्किंग हुआ है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी एक सीज़न समाप्त एक पारी समाप्त हो गया है, लेकिन सभी लोग कभी भी आना जाना हो रहा है अभी, क्योंकि अभी मेन मुद्दा है भाई साहब क्योंकि इंडिया भी बैटिंग करने वाला है तो वो सब बैटिंग देखने के लिए आ रहा है।
तरह से जो इंटरव्यू होता है लास्ट में जो हाईलाइट होता है उसको दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से सेटअप किया जाता है, और इसी को भी मैं दिखाऊंगा स्क्रीन में भी कि किस प्रकार से हो रहा है। वहाँ पर ऐसे दिखा रहा है, और ये शूटिंग हो रहा है या नीचे में शूटिंग हो रहा है और ऊपर में दिखा रहा है उसको, ऐसे तो ऐसे होता है। दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ में हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हो तो भाई साहब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो बनाए तो आप सबसे पहले देख सकिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।